सो गाइस, आज की वीडियो में बात करूंगा आहूजा का BTZ-7000 एम्पलीफायर के बारे में। और इस एम्पलीफायर को आप लोग जानते होंगे, ये एम्पलीफायर आपका 2 जोन वाला एम्पलीफायर है। और इस एम्पलीफायर में हम लोग कितना लोड देंगे, एम्पलीफायर के हिसाब से पर जोन और हम लोग के हिसाब से भी बात करेंगे। साथ में इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एम्पलीफायर आपको न्यू लुक न्यू डिजाइन के साथ मिल जाता है। ये एम्पलीफायर आहूजा का है, 2 जोन वाला एम्पलीफायर है। इसमें आपको वॉल्यूम बटन इंडिकेटर सब अलग अलग जोन पर देखने को मिल जाता है। बैक साइड भी आपको अलग अलग जोन का ही आपको मतलब टोटल इक्विपमेंट देखने को मिल जाएगा। तो देखिए, इसका आरएमएस पावर की बात करूंगा, जो कि इसका मॉडल में देखने से पता चल जाती है कितनी वोल्टेज का होगा। जी हाँ, ये एम्पलीफायर आपका 700 वाट का है, लेकिन ये आपको दोनों चैनल में डिवाइड किया है, मतलब 1300 वाट प्लस 1300 वाट का आरएमएस पावर देता है। साथ में इसका मैक्सिमम पावर की बात किया जाए तो इसमें आपको 500 प्लस 500 वाट का पर जोन मैक्सिमम पावर दे देता है। साथ ही एम्पलीफायर का फ्रीक्वेंसी बात किया जाए तो 50 से लेकर 15 हर्ट्ज तक दिया है, तो बहुत अच्छा फ्रीक्वेंसी भी दिया है। और इसका स्पीकर आउटपुट की बात किया जाए तो इसमें आपको 4 ओम 8 ओम आपको ओनली दिया है, और इसमें आपको 2 ओम रिकमेंड नहीं है, मतलब 2 ओम का ऑप्शन नहीं है, मतलब 4 स्पीकर इस एम्पलीफायर में नहीं बजा सकते पर जोन। साथ में इसके लाइन वोल्ट की बात किया तो दोनों दिया है, मतलब 70 वोल्ट और 100 वोल्ट दोनों दिया है पर जोन, मतलब अलग अलग सेशन पर ही अलग अलग टाइप का रहता है, मतलब पर जोन में अलग बैक साइड में आपको देखने को मिल जाएगा। चले आगे और बात करूंगा, जो कि अब डाइट पॉइंट बात करूंगा, इसमें पर जोन हम लोग कितना लोड देंगे एम्पलीफायर के हिसाब से और हम लोग के हिसाब से, और कितना तक मैक्सिमम पावर तक जा सकते हैं, कौन सा सही होगा, वोल्टेज किस प्रकार के साथ, वो भी बताने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले वही बात कर लेता हूं। तो देखिए, ये एम्पलीफायर आपका आरएमएस पावर का पर जोन मतलब 350 प्लस 350 वोल्टेज का दे देता है। तो सिंपली इसमें हम मैक्सिमम पावर के हिसाब से जाएंगे तो 500 प्लस 500, तो इसमें आप 8 ओम में एक प्ला मतलब एक स्पीकर जो कि 8 ओम वाला स्पीकर 500 प्लस 500 वाटेज का लगा सकते हो, पर जोन एक एक करके ला सकते हैं, इसमें आराम से बच जाएगा, जो कि एम्पलीफायर के सबसे बेस्ट है। जी हाँ, उसमें वो थोड़ा भी जा सकते हैं, जो कि 550 या 600 वाट तक भी जा सकते हैं, ये एम्पलीफायर के सबसे सेफ होगा, आपको कोई प्रॉब्लम बात नहीं है। और जो कि 4 ओम में, तो 4 ओम में आपको किस तरह 2 स्पीकर लाना पड़ेगा, जो कि 8 ओम का स्पीकर दो। देखिए, इस एम्पलीफायर में आप 250 प्लस 250 वोल्टेज का 2 स्पीकर पर जोन लगा सकते हैं, जो कि 500 वोल्टेज का ये हैंडल कर जाएगा, ये एम्पलीफायर के हिसाब से बेस्ट है। चलिए अब बात करूँगा, जो कि हम लोग के हिसाब से कितना दे, मतलब मैक्सिमम पावर के हिसाब से कितना तक जा सकते हैं इस एम्पलीफायर में पर जोन के हिसाब से। तो चलिए देखिए, ये एम्पलीफायर आपका मैक्सिमम पावर 500 वोल्टेज का ही तो दे देता है, लेकिन हम लोग के हिसाब से पर जोन लगभग आप 600 प्लस 600 वोल्टेज का लोड दे सकते हैं, मतलब एक जोन में 600 और दूसरा जोन में 600 वोल्टेज का मैक्सिमम पावर दीजिएगा, ये एम्पलीफायर आराम से बजेगा, आपको कोई प्रॉब्लम बात नहीं, आपका हैंडल भी कर जाएगा इतने वोल्टेज तक। और आप लोग फिर भी चाहते हैं ये मतलब और मैक्सिमम पर कितना तक जा सकते हैं, जी हाँ, और मैक्सिमम पर मेरे रिकमेंड है, जो कि 100 और बढ़ा सकते हैं, जो कि 700 पर जोन बजा सकते, जो कि 1400 वोल्टेज का ही लोड ले लेगा, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है। आपको मैं जितना बोला उतना आप लोड दीजिएगा, आपका से मतलब अच्छा आपका एम्पलीफायर सेव रहेगा, जो कि 500 और 500 वोल्टेज का ही आपका एम्पलीफायर आराम से सेव रहेगा, जो कि मैक्सिमम पर ही इतना दिया है, या 600 वोल्टेज का भी दे सकते हैं, जो 1200 वाट तक ये हैंडल कर जाएगा, लेकिन 1400 वाट थोड़ा सा ओवर हो जाता है, फिर भी आप लोग देना चाहते जो 1400 वाट तो इस एम्पलीफायर में तो फिर भी बच जाएगा, ऐसा नहीं कि बजेगा नहीं, मतलब चलेगा नहीं। ये आहूजा का ब्रांडेड कंपनी आहूजा का, आप लोग जानते हो ये कितना आपको ताकतवर है एम्पलीफायर है। तो चले, इसमें आपको 1400 वाट तो रिकमेंड है, लेकिन तो आप लोग आपको थोड़ा वो घटा कर दीजिएगा और बेस्ट होगा, आपको साउंड क्वालिटी मतलब आपको बेहतर मिलेगा, मेरे हिसाब से 1200 वाट तक दीजिए आपको चल जाएगा। जी हाँ, और फिर भी आप लोग 1400 वाट देना चाहते तो दे दीजिएगा, कोई बात नहीं।